ओके देखो, अब हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं कि डॉट प्रोडक्ट की कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो डॉट प्रोडक्ट करने का मैं तुम्हें एक तरीका और सिखाऊंगा। अब देखो, सपोज करो कि तुम्हारे पास एक वेक्टर है ए, और मान लो कि तुम्हारे पास एक वेक्टर है बी, और मान लो कि इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने का एक और तरीका होता है, वो होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू आ जाता है कॉस थीटा। थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। एक तरीका तो मैंने तुम्हें परसों सिखाया था, याद है वो क्या तरीका क्या था, कि मान लो कोई ए वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और मान लो कोई बी वेक्टर है पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप। तो याद है परसों मैंने तुम्हें तरीका सिखाया था ए डॉट बी कैसे करते हैं। आप आई आई वाले को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा ए पी, प्लस जे जे वाले को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा बी क्यू, प्लस के के वाले को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा सी आर। तो एक तरीका मैंने तुम्हें परसों सिखाया था कि भैया अगर आपके पास दो वैक्टर्स हैं ए और बी, तो अगर मान लो आपको इस तरीके से दे रखा है तो आपको डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है। आप आई आई वाले को मल्टीप्लाई करो प्लस जे जे वाले को मल्टीप्लाई करो प्लस और के वाले को मल्टीप्लाई करो। और एक और तरीका आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, शौर्य भाविन तुमने अभी ज्वाइन किया, देखो ध्यान से देखना। अगर मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर है ए और बी, और मान लो कि उनके बीच में एंगल थीटा दे रखा है, तो ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। थीटा कौन सा होता है, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो एक बार ये तरीका भी लिख लो, फिर इसका एक एग्जाम्पल मैं दूंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा किसको करते कैसे, फिर अगले वाला तुम करना। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में इसको। तो डॉट प्लॉट करने का एक तरीका तो परसों में तुम्हें सिखाया था, वो तुम सबको आ गया था मुझे लगता है। एक तरीका देखो एक और है जो मैंने ये कॉस थीटा वाला लिखा हुआ है, तो इसको लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, देखो अब मैं तुम्हें इस तरीके को यूज करना सिखाता हूं कि इस तरीके को मैं यूज कैसे करता हूं। ये तरीका वो है, देखो ध्यान से देखो। सपोज करो मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे पास एक वेक्टर ए है 6 मीटर इधर की तरफ, एक वेक्टर बी है 4 मीटर इधर की तरफ। मान लो ये आपका वेक्टर ए है, और मान लो ये आपका वेक्टर बी है, और मान लो ये एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ ए डॉट बी कितना होगा। तो क्या होता है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू आ जाएगा कॉस थीटा। याद रखना वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब है वेक्टर की वैल्यू कितनी है। तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 6, बी की कितनी है 4, और कॉस 60 कितना होता है हाफ। तो 2 3 जाए तो आपका आंसर कितना आया, 3 4 जा 12 आया आपका आंसर। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया। तो इस डॉट प्रोडक्ट करने का जो दूसरा तरीका है, तो इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले वैक्टर की वैल्यू, दूसरे वैक्टर की वैल्यू, और दोनों वैक्टर्स के बीच में एंगल कितना है आपको वो चाहिए, है ना। सिर्फ इन 3 चीजों की जरूरत होती है। तो किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और मीटर इंटू मीटर तो यहाँ पे यूनिट लगा सकते हो मीटर स्क्वायर, है ना, तो यूनिट भी लगा सकते हो, तो जो भी यूनिट आ रही हो आप लगा सकते हो। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है। सर एक बार ये बता दीजिए ना कि मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और बी वेक्टर का कैसे निकालना। मैग्नीट्यूड मतलब होता है पहल वेक्टर की लेंथ, वेक्टर की वैल्यू कितनी है। तो ए वेक्टर की वैल्यू 6 मीटर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर की लेंथ, तो बी की लेंथ 4 मीटर है। ओके सर, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन तुम लोगों को ट्राई करना है। तो क्वेश्चन ये है, सपोज करो कि आपको दे रखा है, सपोज करो कि आपको दे रखा है कि आपके पास एक वेक्टर ए इधर की तरफ है, और ये है मान लो 10 न्यूटन, ये आपका ए वेक्टर है, और मान लो आपको दे रखा है कि आपका बी वेक्टर उधर की तरफ है, और ये है मान लो 4 मीटर, और मान लो आपको ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री। क्या दे रखा है, 45 डिग्री। मेरा क्वेश्चन है कि बताओ ए डॉट बी की वैल्यू कितनी होगी। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। तो 40 न्यूटन मीटर, 40/2 न्यूटन मीटर, 40/√2 न्यूटन मीटर, या फिर 0। क्या होगा इसका आंसर,
और जिसको नहीं पता है तो cos 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2. ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर. सोचो क्या होगा इसका आंसर. तो a डॉट b क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मतलब a की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ b मतलब b की वैल्यू इनटू cos थीटा. तो एक का कितना है 10, एक का कितना है 4 और cos 45 कितना होता है 1/√2. तो ये आ जाएगा तुम्हारा 40/√2 न्यूटन मीटर. तो ये आ गया इसका आंसर. आया समझ में कैसे करते? देखो ये एक तरीका है यार, है ना. अच्छा अब एक चीज तुम सब ध्यान से सुनना, ये सब तुम लोग कर लोगे मुझे पता है. अब ना एक चीज है, मैंने कई लोगों को देखा है कि उनको मैग्नीट्यूड निकालने में दिक्कत होती है. तो एक सेकंड में तो मैं रिवीजन करा देता हूं. तो मान लो आपके पास कोई वेक्टर है ए, मान लो उसकी वैल्यू है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और मैं पूछू कि बताओ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है. देखो कैसे करते हैं, रूट ऑफ आई के साथ जो इसका स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, प्लस जे के साथ जो इसका स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर, प्लस के साथ जो इसका स्क्वायर मतलब सी का स्क्वायर. यह आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ. आया समझ में? तो देखो अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं और वैसा डिट्टो क्वेश्चन तुम्हें करना है, और मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं वो तुम्हें लिखना नहीं है. तो क्वेश्चन ये है कि इफ ए वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और मान लो आपको बी वेक्टर दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप, तो क्या क्या पता करना है. देखो एक तो आपको पता करना है फाइंड ए डॉट बी, एक आपको बताना है ए डॉट बी कितना होगा, दूसरा आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना होगा, तीसरा आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना होगा, और चौथा आपको बताना है कि cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी. तो ये चार चीजें आपको पता करनी है. देखो अब मैं तुम्हें सिखाता हूं कि ये चारों चीजें अपन कैसे पता करेंगे. ये अपना एक वेक्टर है a, ये अपना एक वेक्टर है b. ध्यान से देखो, पहले वेक्टर में i के साथ 1, j के साथ 1, k के साथ 1, दूसरे वेक्टर में i के साथ 1 और j के साथ -1, और k के साथ कुछ नहीं तो अपन क्या लिखेंगे +0 k. और याद है परसों मैंने तुम्हें डॉट प्रोडक्ट करना कैसे सिखाया था. तो a डॉट b कैसे करते हैं, आप i वाले को मल्टीप्लाई करो, आई के साथ वन आई के साथ वन तो 1/(1) प्लस, अब जे जे वाले को मल्टीप्लाई करो तो जे के साथ वन जे के साथ -1 तो 1/(-1) प्लस, अब के वाले को मल्टीप्लाई करो तो के साथ वन के साथ 0 तो 1/(0) तो ये कितना आया चेक करो तो 1/(1) 1 और 1/(-1) -1 प्लस 0, तो आपका ए डॉट बी कितना आ गया, ये आ गया आपका 0. आया तुम्हें समझ में? ये पहली चीज है. अब आप मुझे बताओ कि ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सोच सकते हो कितना होगा. देखो आई के साथ वन है तो 1 का स्क्वायर, जे के साथ वन है तो 1 का स्क्वायर, के साथ वन है तो 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया √3 आ गया. आया समझ में? अब आप मुझे बताओ कि बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो रूट ऑफ, देखो बी में आई के साथ क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर, देखो जे के साथ क्या है -1 तो यहाँ पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर, के साथ तो कुछ है ही नहीं तो ये कितना आ जाएगा √2, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर भी 1, और फाइनली आपको निकालना है cos थीटा. तो आप मुझे बताओ कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. तो ए डॉट बी तो कितना आया 0, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है √2 इंटू कॉस थीटा. तो इन दोनों को उधर भेजो तो आपका कॉस थीटा भी कितना आ गया 0 आ गया. और कॉस थीटा 0 कब होता है 90 डिग्री पे, मतलब एंगल कितना है 90. इसका मतलब ए वैक्टर और बी वैक्टर दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है. आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया कि ये पूरा क्वेश्चन मैंने कैसे किया. अब इसमें कहीं पर भी डाउट है तो तुम अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हो यार, कहीं पे भी डाउट है तो आप अनम्यूट करो और मुझसे पूछ सकते हो. नो सर. क्लियर हो गया सबको? भाविन कोई डाउट है बेटा? अर्चना कोई डाउट है? हर्षित कोई डाउट है? शौर्य, अंशिका, पहल डाउट है तो पूछो. नो सर. अर्चना कोई डाउट है बेटा तो पूछो. भाविन. नो सर. ये हो गया तो मैं कैसे किया मैंने, ये की कोई डाउट है? ओके तो अब एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ये क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन ये है कि इफ ए वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप और बी वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप, तो आपको बताना है क्या क्या बताना है. देखो एक आपको बताना है ए डॉट बी कितना होगा, एक आपको बताना है ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक आपको बताना है बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और एक आपको बताना है कि कॉस थीटा कितना होगा. जल्दी जल्दी कॉपी में ट्राई करो और इस टॉपिक को खत्म करो.
जल्दी करो, थोड़ा सा करो सर, जल्दी करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा और तुम चेक करना तुम्हारा और मेरा आंसर मैच खाता है कि नहीं खाता है। चेक करो कितना होगा ए डॉट बी, कितना होगा ए का मैग्नीट्यूड, कितना होगा बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा कितना होगा। यहाँ पे तो के है ही नहीं, तो आ जाएगा प्लस जीरो के कैप, यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस जीरो के कैप। ए डॉट बी कितना आ जाएगा चेक करो, इधर आई के साथ वन, जे के साथ वन, के साथ जीरो, तो आई आई वाले को मल्टीप्लाई करो तो वन इंटू टू, प्लस जे जे वाले को मल्टीप्लाई करो तो वन इंटू वन, और के वाले दोनों जीरो जीरो ही हैं तो बात ही खत्म हो गई। टू प्लस वन तो ये कितना हो गया, थ्री हो गया, ये तो आ गया आपका डॉट प्रोडक्ट। आया समझ में कि इसमें कोई डाउट है। आई ए वाले को मल्टीप्लाई करो प्लस जे जे वाले को मल्टीप्लाई करो प्लस के वाले को मल्टीप्लाई करो। अब आप मुझे बताओ कि ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो कितना होगा रूट ऑफ, देखो आई के साथ है वन तो वन का स्क्वायर, जे के साथ है वन तो वन का स्क्वायर, के साथ जीरो तो जीरो का स्क्वायर, ये कितना आ गया रूट टू। अब चेक करो आपका बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो रूट ऑफ आई के साथ क्या है टू तो टू का स्क्वायर, जे के साथ क्या है तो वन का स्क्वायर, के साथ क्या है जीरो का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा रूट फाइव। ठीक है, और फाइनली कॉस थीटा निकालना तो क्या फॉर्मूला यूज करना है तुम्हें, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो ए डॉट बी तो कितना आया तीन, ये कितना है रूट टू, ये कितना है रूट फाइव इंटू आ जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा थ्री अपॉन फाइव टू जो टेन, तो ये आ जाएगा रूट टेन। तो ये आपका आंसर है ना, ये आपके चारों आंसर है। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो अनम्यूट करके तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। थ्री अपॉन रूट टेन का कॉस थीटा में थोड़ी वैल्यू है, ये नहीं पता अपने को, अब ये यही छोड़ना पड़ता है, ये अपने को नहीं पता है कॉस के लिए कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं, अपन यहां से नहीं निकाल सकते क्या होगा। कोई डाउट है तो पूछो यार। भावन सारे आंसर्स मैच खा रहे कि कोई गलत है, शौर्य अर्चना सब मैच खा गए कि गलत है कोई, ओके आई होप सो तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो अब एक चीज तुम ध्यान से देखना, अगर मान लो कि आपके दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, जैसे मान लो ए और बी आपके सेम डायरेक्शन में, तो दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते ना तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, जीरो डिग्री। मैंने कई बार देखा है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल कितना होगा। अरे आप खुद सोचो यार, दो चीज अगर सेम डायरेक्शन में तो एंगल कितना होगा, जीरो डिग्री। अगर यही मान लो आपके दो वेक्टर मान लो अपोजिट है, मान लो ए इधर बी इधर, तो इनके बीच में ये एंगल होता है, तो अब आपका एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो तुम्हें याद रखना है कि कॉस जीरो कितना हो जाएगा वन, और ये भी तुम्हें याद रखना है कि कॉस 180 कितना होता है माइनस वन, ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो याद रखना अगर दोनों वैक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच में एंगल जीरो, कॉस जीरो वन, अगर दोनों वैक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनके बीच में एंगल 180 और कॉस 180 कितना होता है माइनस वन, ये दोनों कंसेप्ट तुम्हें याद रखना है। मतलब ये तुम्हें अलग से कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन का पार्ट होते हैं कॉन्सेप्ट्स, है ना। तो ये दोनों लिख लो अपनी कॉपी में लाइन, तो दो वेक्टर पैरेलल है तो एंगल कितना है जीरो डिग्री, और दो वेक्टर एंटी पैरेलल है, एंटी मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो एंगल कितना है 180। तो आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा सॉल्व। तो आपको मुझे बताना है कि ए डॉट ए किसके बराबर होगा, आपके पास चार ऑप्शन है ए बी सी और डी, पहला है जीरो, दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तीसरा है नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और चौथा है नन ऑफ दिस। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, सोचो लगाओ दिमाग। क्या होगा भावेन भाई, सोचो थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। अर्चना पहल क्या होगा इसका आंसर, हर्षित
तो ए डॉट ए को अपन क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और आता है तुम्हारा कॉस थीटा। लेकिन ध्यान से देखो, पहला वेक्टर भी ए है और दूसरा वेक्टर भी ए है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना है जीरो, तो कॉस जीरो कितना होता है वन, तो ये कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। इसका आंसर क्या है बी। आया समझ में कि नहीं समझ में आया, कोई डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो यार। और लिख लो इसको, किसका आंसर ही आया कैसे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें तुम में से, कि डाउट है किसी को। भाविन कोई डाउट है बेटा, शौर्य कोई डाउट है इसमें, अर्चित कोई डाउट है, अर्चना अंशिका पहल नो सर। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो अब एक और चीज तुम ध्यान से देखना, तो लिखो अपनी कॉपी में प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखो आप, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें लिखो कि आपका ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के। मतलब चाहे तुम ए डॉट बी निकालो चाहे तुम बी डॉट ए निकालो, दोनों में बराबर बात है। दूसरी प्रॉपर्टी तुम लिखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो जैसे मान लो आपको दे रखा है कि ए डॉट बी प्लस सी, तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हो, कैसे, इस तरीके से ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी ये आपको याद रखना है कि ए डॉट ए जो होता है, अभी मैंने तुम्हें प्रूव कराया, वो क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी। एक बार ये तीनों प्रॉपर्टी अपनी कॉपी में लिख लो कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करते हैं, ए डॉट ए किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर है। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है चाहे तुम ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, एक ही बात है। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ए डॉट बी प्लस सी है, तो आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ए डॉट ए किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर होता है। अब प्रॉपर्टी नंबर चार, तो प्रॉपर्टी नंबर चार तुम लोग सॉल्व करोगे पहले ना। तो देखो, अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक वेक्टर है ए, और मान लो ये एक वेक्टर है बी, और मान लो कि इनके बीच में एंगल है 90, तो आपको मुझे बताना है कि ए डॉट बी किसके बराबर होगा। चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी, 1, 0, -1 या नन ऑफ दिस। सोचो किसके बराबर होगा। याद है मैं तुम्हें आज एक फॉर्मूला सिखाया कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। लेकिन ध्यान से देखो, आपका एंगल कितना है 90, तो कॉस 90 कितना होता है जीरो, तो आपका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। तो याद रखना, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब तीन चीजें हो सकती है। तो क्या हो सकती है, देखो ध्यान से देखना। तो इफ ए डॉट बी इज जीरो, तो तीन चीजें हो सकती है। पहली चीज तो ये हो सकती है कि आपका जो ए है वो बी के परपेंडिकुलर है। दूसरी चीज ये हो सकती है आपका ए वेक्टर जीरो वेक्टर है। तीसरी चीज ये हो सकती है कि आपका बी वेक्टर जो है वो जीरो वेक्टर है। मतलब अगर ए ही जीरो हो गया तो फिर क्या डॉट प्रोडक्ट करोगे, जीरो ही आएगा। अगर बी जीरो हो गया तो भी जीरो ही आएगा। लेकिन मान लो ए बी है और बी बी है, तो फिर जीरो कब होगा, जब ए बी के परपेंडिकुलर है। आया तुम्हें समझ में, तो ये चौथी प्रॉपर्टी लिख लो अपनी कॉपी में। इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। तो पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव, तीसरी ये दिखी जो है, चौथी अगर ए डॉट बी जीरो है तो तीन चीजें हो सकती है, या तो दोनों परपेंडिकुलर है, या मान लो पहला वेक्टर जीरो है, या मान लो दूसरा वेक्टर जीरो है।
ठीक है, अब पांचवी प्रॉपर्टी लिखो अपनी कॉपी में कि अगर आपको दे रखा है मान लो ए डॉट टू बी, तो आप इस टू को बाहर निकाल सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो ए डॉट बी, बस ये ऐसे लिख लो यार, ये प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे ही पूछी जाती है। तो अगर मान लो ए डॉट टू बी है तो आप टू अलग कर सकते हो, जैसे मान लो आपको दे रखा है कि थ्री ए डॉट फोर बी, तो आप क्या करो थ्री फोर को बाहर निकालो, थ्री फोर जो ट्वेल्व, अंदर क्या बच जाएगा ए डॉट बी, ये हो गई तुम्हारा बात करना, आया तुम्हें समझ में? तो ये आपकी एक दो तीन और चार पांच प्रॉपर्टीज हैं। अब इसमें कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार, कोई भी डाउट है तो पूछो, वरना एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, इसमें कोई भी डाउट है तो क्लियर कर सकते हो। सर मेरे को फिफ्थ वाला समझा दीजिए ना वापस से, मेरे को नहीं आया। देख पहले फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, देख अगर मान ले ए डॉट टू बी है, तो अगर मान ले अंदर कोई नंबर है तो उस नंबर को आप डॉट प्रोडक्ट से बाहर निकाल सकते हो टू को, जैसे यहाँ पे थ्री ए डॉट फोर बी है, तो थ्री को भी बाहर निकालो फोर को भी बाहर निकालो, थ्री फोर डॉट ट्वेल्व अलग हो गया, और आपको क्या करना रहा ए डॉट बी करना रहा। ओके सर, लिख लिया कि कोई डाउट है इसमें? लिख लिया सर। ओके अब एक क्वेश्चन लिखो तुम सब अपनी कॉपी में, सब में लिख लिया, ये भावेल लिख लिया, अर्चना लिख लिया, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ठीक है तो अब एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, तो इस क्वेश्चन को अपन लोग साथ साथ करेंगे, फिर अगला तुम लोग ट्राई करना। तो क्वेश्चन ये है कि इफ ए वेक्टर इज टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप कॉमा फाइंड एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आपको बताना है कि एक कोई वेक्टर है ए, तो आपको बताना है कि यार ये पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है ना। मान लो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि यार आपको कोई वेक्टर दे रखा है, वेक्टर तो कहीं भी हो सकता है, तो आपको बताना है कि इस वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच में कितना एंगल है पॉजिटिव एक्स के बीच में। देखो बहुत आसान है कैसे करते हैं, तो एक वेक्टर तो आप ले लो ए, तो वो कितना आ जाएगा टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। एक वेक्टर आप ले लो बी, कौन सी एक्सिस के साथ निकालना है, पॉजिटिव एक्स के साथ, तो ये क्या हो गया आई कैप। आया समझ में? अपने को एंगल निकालने को क्या करेंगे, अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू आ जाएगा कॉस थीटा। तो पहले अपन ए डॉट बी करते हैं, तो यहाँ पे तो आई के साथ टू है, जे के साथ वन है, के साथ वन है, यहाँ पे आई के साथ वन, यहाँ पे जे के साथ कुछ नहीं है और के साथ कुछ नहीं है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा टू इंटू वन प्लस वन इंटू जीरो प्लस वन इंटू जीरो। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ जाएगा आप मुझे देख के बताओ, तो टू का स्क्वायर कितना आता है फोर प्लस वन का स्क्वायर वन प्लस वन का स्क्वायर वन, ऐसे करेंगे। और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आएगा मुझे बताओ, खाली आई के साथ वन है तो वन का स्क्वायर क्या होता है वन इंटू आ जाएगा कॉस थीटा, तो टू वन जा टू और बाकी तो जीरो है तो टू बचा, और ये कितना आ जाएगा चार और पांच और छह रूट सिक्स, और ये आ जाएगा कॉस थीटा, तो आपका कॉस थीटा बेसिकली कितना आया टू अपॉन रूट सिक्स आया, यहाँ पे आपको छोड़ना है, ये आपका आंसर है। आया समझ में कि इसमें कोई डाउट है? हाँ पूछो पहल, पूछो अंशिका क्या हो गया सर, वहां पर सिर्फ आई पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला था, तो हम लोगों ने वन आई कैप कैसे ले लिया, कुछ भी हो सकता है वन की जगह। देख वन की जगह कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी ले ले, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ भी लोगे तो एनीवेज वो मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड होकर कट जाएगा। बट जनरली ये कन्वेंशन है कि आपको जिस एक्सिस के साथ निकालना होता है आपको खाली उसकी डायरेक्शन लेनी है, तो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन क्या होती है आई कैप। अगर मान लिया आप टू आई कैप भी लेते तो भी आपका आंसर यही आता, आप करके देखना कुछ और नहीं आएगा, आप थ्री आई कैप लोगे तो भी यही आएगा। ओके सर, करके देखना, देखा यही आएगा पक्का। ओके सर, आया समझ में? कोई डाउट है तुम में से तो पूछो। तो अगर किसी वेक्टर की किसी एक्सिस के साथ एंगल निकालना है तो ये तरीका होता है, ठीक है? लिख लिया तुम लोगों ने कि कोई डाउट है? लिख लिया सर। चलो एक क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन ये है इफ ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप फाइंड एंगल मेड बाय
ए विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो आपको बताने की पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ आपका ए कितना एंगल बनाएगा। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें, ए बी सी और डी। तो कितनी आएगी कॉस थीटा की वैल्यू आपको ये बताना है। हाफ आ रही है कि वन अपॉन रूट टू आ रही है कि रूट थ्री बाय टू आ रही है कि आपकी वन आ रही है। ट्राई करो, और एक और ऑप्शन है नन ऑफ दिस। करो तुम लोग ट्राई करो और सबको आंसर बताना है कि क्या आएगा इसका आंसर। ए आपको दे रखा है कि प्लस जे कैप, फाइंड एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद पॉजिटिव एक्सिस। करो ट्राई करो। कितना आ रहा है? तो एक वेक्टर तो आप ए ले लो, आई कैप प्लस जे कैप। एक वेक्टर आप बी ले लो, पॉजिटिव आया मतलब ये क्या होगा, खाली जे कैप। ठीक है, फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू आ जाएगा कॉस थीटा। तो ए डॉट बी तो कितना आएगा, देखो आई के साथ वन, जे के साथ वन, और यहाँ तो के तो है ही नहीं, तो जीरो के कैप। और बी में तो यार कुछ है ही नहीं, खाली जे कैप है, तो उसके साथ तो वन, मान लो आई कैप के साथ जीरो, मान लो के कैप के साथ जीरो। अब करो देखो कितना आएगा, तो इधर आई कैप के साथ वन है, इधर आई कैप के साथ जीरो है, तो वन इंटू जीरो। ऊपर भी जे कैप के साथ वन, नीचे भी जे कैप के साथ वन, तो वन इंटू वन। और के में तो जीरो इंटू जीरो ये दोनों तरफ। और ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, चेक करना, रूट टू आएगा, क्योंकि आई के साथ वन है, जे के साथ वन है, और इसका कितना आ जाएगा वन, और ये आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा वन अपॉन रूट टू इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। और कॉस थीटा वन अपॉन रूट टू कब होता है, जो थीटा कितना होता है 45 डिग्री, मतलब आपका ये वेक्टर वाई एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है, ये इसका आंसर है। अब तुम में से इन क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं। भावेन कोई डाउट है बेटा तो पूछो। अर्चना तुम्हें लग रहा है फास्ट हूं तो भी तुम बोल सकते हो, तुम्हें लग रहा है स्लो हूं तो भी तुम बोल सकते हो, तो कोई डाउट है तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। नहीं है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये समझ में आ गया है। अच्छा, यहाँ पे अगर नेगेटिव वाई लिखा है ना, तो आपको यहाँ पे आई जे के जगह माइनस जे के लेना है। ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है, पॉजिटिव वाई तो जे के, नेगेटिव वाई तो माइनस जे के। अच्छा, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, देखो, तो वेक्टर्स हूज मैग्नीट्यूड is one, तो जो वेक्टर, वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड वन होता है, वो होते हैं आपके यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर whose magnitude is one is unit vector. तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन बताना। तो कोई तुम्हें पूछे कि यार अरे तेरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही वन है तो किस काम का है, तो यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन बताना कि आपका डायरेक्शन क्या है। जैसे आपका आई कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर, तो आई कैप क्या बताता है, ये डायरेक्शन। आपका जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, ये क्या बताता है, ये डायरेक्शन। आपका माइनस आई कैप भी क्या है, यूनिट वेक्टर, ये क्या बताता है, ये डायरेक्शन। आपका माइनस जे कैप क्या, यूनिट वेक्टर, ये क्या बताता है, ये डायरेक्शन। आपका के कैप क्या, यूनिट वेक्टर, ये बताता है बाहर वाली डायरेक्शन। आपका माइनस के कैप क्या, यूनिट वेक्टर, अंदर वाली डायरेक्शन। तो वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड वन होता है और जिनका खाली एक काम है डायरेक्शन बताना, ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और उनके एग्जांपल क्या है, देखो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आई कैप, जे कैप, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, के कैप, माइनस के कैप। वैसे तो आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, लेकिन ये कुछ यूनिट वेक्टर्स है जो अब तक तुम पढ़ रहे हो कि सर आई कैप मतलब ये होता है, जे कैप मतलब ये होता है, माइनस आई कैप ये, माइनस जे कैप ये, के कैप ये, माइनस के कैप ये। तो ये तुम्हें याद रखना है कि वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड वन होता है उनको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और उनका काम क्या होता है, उनका सिर्फ एक ही काम है डायरेक्शन बताना। कि जैसे मुकेश है, मान लो वो 5 मीटर चला पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 5 i कैप। तो 5 मीटर चला, कहां चला, पॉजिटिव एक्स में, तो अपन ने लिख दिया आई कैप। तो आप बताओ यहाँ पे आई कैप का क्या काम हुआ, खाली डायरेक्शन बताने का ही काम हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं अपन यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर्स आर दोस वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज वन बट दे आर ओनली यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। ठीक है, तो अब देखो ये तो हो गए 6 यूनिट वेक्टर, लेकिन आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना।
ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो तुम किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो अगर किसी के ऊपर कैप लगी हुई है मतलब वो यूनिट वेक्टर है। जैसे एक क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करके सिखाता हूं, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो आपको इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो आपका वेक्टर तो सामने ही दिख रहा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो वेक्टर क्या है ध्यान से देखो, वेक्टर है आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो पुट कर दो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा ध्यान से देखो, आई के साथ क्या है वन तो वन का स्क्वायर, जे के साथ क्या है वन तो वन का स्क्वायर, के साथ क्या है वन तो वन का स्क्वायर। तो आपका वेक्टर क्या आ गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और नीचे आ जाएगा आपका रूट थ्री। ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर। आया तुम्हें समझ में? तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको क्या करना है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लिख लो इस एग्जांपल को अपनी कॉपी में, फिर अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। लिख लो इसको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है अब तुम ध्यान से देखना, ये लिख लिया आपने ये इधर वाला पार्ट, लिखो जल्दी लिखो यार। ठीक है, तो अब क्वेश्चन तुम्हारे लिए, तो यूनिट वेक्टर ऑफ एक वेक्टर है ए, यह है आपका 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तो आपको बताना है कि इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन है, a b c और d। 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप अपॉन 4, 2i कैप माइनस j कैप अपॉन माइनस k कैप अपॉन 6, 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप अपॉन रूट 6, या फिर नन ऑफ दिस। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। क्या आएगा भाविन भाई, क्या आएगा इसका आंसर, करो पहल अर्चना, जल्दी करो यार प्लीज यार, सोचो क्या आएगा इसका आंसर। क्या होता है यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो क्या है आपका, आपका वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ i के साथ क्या है तो 2 का स्क्वायर 4, j के साथ क्या है माइनस 1 तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, k के साथ क्या है माइनस 1 तो माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये सी वाला आपका आंसर है। आया समझ में कि हवा में जाया पूरा, कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगली चीज तुम ध्यान से सुनना। तुम देखा तुम्हारे एग्जाम्स में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे कि बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से देखना कैसे करेंगे। देखो याद है मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी कि ए डॉट ए किसके बराबर होता है, तो वो था मैग्नीट्यूड ऑफ ए के होल स्क्वायर के बराबर। कोई डाउट तो नहीं है, ए डॉट ए किसके बराबर था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए के होल स्क्वायर के बराबर था। तो अपन a प्लस बी के होल स्क्वायर को इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी डॉट a प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप इस ब्रैकेट को ओपन कर सकते हो, देखो a इंटू a हो जाएगा तो ये हो जाएगा a डॉट a, फिर a को b से करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा a डॉट b, फिर b को a से करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा b डॉट a, और b को b से करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा b डॉट b। लेकिन याद है मैंने तुम्हें क्या लिखवाया था, a डॉट a क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता है, याद है कम्युनिटिव प्रॉपर्टी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, टू ए डॉट बी, और बी डॉट बी क्या होता है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया, क्लियर हुआ? तो आप अगर ये सब आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये अगर आपको निकालना है तो बेसिकली सिर्फ आपको ये चीज करनी है। आया समझ में? तो लिख लो कंसेप्ट करके लिख लो कि कुछ कंसेप्ट जो तुम्हारे काम आएंगे, ऐसे कंसेप्ट तुम्हारे काम आते हैं।
आप इसको इसके बराबर भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर के बराबर। ये एक ही बात है, इसको यही रखिए, ऐसे ही लिख दो इसको, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में, ये कंसेप्ट तुम्हारे काम आएगा, ये वाला कंसेप्ट। तो कोई तुम्हें पूछेगी बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो आप इसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो तुम पूछ सकते हो अब यार। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, एक डॉट प्रोडक्ट का डीपीवी मैंने तुम्हें भेजा हुआ है, आज मैं तुम्हें एक और भेजूंगा। ठीक है, और तुम्हें कोई क्वेश्चन है डॉट प्रोडक्ट में तो तुम मुझसे पूछ सकते हो अब यार। किसी को किसी भी टॉपिक में डाउट है डॉट प्रोडक्ट में तो आप क्लियर कर सकते हो। So, मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था और उसको फिर रीसेंट किया था, तो उसका डाउट क्लास आज आप ले लोगे? हाँ हाँ, तेरा एक ही तो डाउट है, अभी ले ले क्या क्लास के बाद? यस सर, अभी रिजॉइन कर ले तो वापस ना। ओके सर, ठीक है, अभी ना खत्म होते ही क्लास को और दो मिनट बाद आप रिजॉइन कर लेना सेम लिंक पे क्लिक करके। ठीक है, और भी तुम में से कोई डाउट है तो तुम मुझसे बोल सकते हो, अपन आराम से ना वापस क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी क्लास के बाद थोड़ी देर खाली रहता हूँ तो तुम्हारे डाउट्स में आराम से ले सकता हूँ। ठीक है, चलो, ओके यार, बाय बाय, थैंक यू सर।